हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो यार आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले हैं अपने इंडियन ट्रेन सिमुलेटर का 2018 वाले इंडियन ट्रेन सिमुलेटर से, और देखेंगे कि इस रेस में कौन है सबसे आगे। तो यार एक चीज़ मैं आपको अभी क्लियर कर दूं कि मैं ये बताने नहीं वाला हूं कि आपको किस गेम को डाउनलोड करना है, कौन सा गेम अच्छा है, कौन सा बेकार। सिंपली आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि अभी कौन सबसे आगे है। तो यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो यार लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो को, लाइक कर देना वीडियो को और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम की बात करें जो कि काफ़ी बार मुझसे कमेंट में पूछा गया है कि भाई मेरे फ़ोन की रैम 1 GB या फिर 2 GB की है और प्ले स्टोर पर मुझे इंडियन ट्रेन सिमुलेटर गेम नहीं मिल रहा है, और अगर हम मोड APK डाउनलोड कर भी लेते हैं तो लैग हो जाता है या फिर रुक रुक के चलता है, काफ़ी ज़्यादा रुक रुक के। तो यार इसके लिए एक बेस्ट ट्रिक है, तो डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो आपको एक वीडियो की लिंक मिलेगी टेक गेम्स चैनल की। ये वाली वीडियो पूरा देखने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हो जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पे कंपेयर करना शुरू करें तो भाई ये दोनों ही गेम हमारे टॉप 5 इंडियन ट्रेन सिमुलेशन गेम्स के लिस्ट में आते हैं। तो यार अपने ITS की बात करें तो आपको 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स के साथ देखने को मिलता है प्ले स्टोर में, लगभग 90 से 100 MB के बीच में, और काफ़ी बढ़िया इसके ग्राफिक्स हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी अच्छी तरह से जानते हो कि यहाँ पे HD प्लेटफॉर्म्स, एक्टिव पैसेंजर्स और काफ़ी तरह के नए ग्राफिक्स ऐड हुए हैं इस गेम में। और बात करें ITS 2018 की तो भाई 5 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड्स के साथ ये आपको प्ले स्टोर में देखने को मिलता है 190 MB के आसपास में। और दोनों में ही कैरियर मोड आपको ओपन देखने को मिलेगा अभी। और रूट्स की बात करें तो ITS में आपको ज़्यादातर साउथ इंडिया के रूट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि अपने चेन्नई, अरक्कोणम, विजयवाड़ा, जितने भी कॉमन रूट्स हैं। और ITS 2018 की बात करें तो इसमें आपको लखनऊ, अलाहाबाद, कानपुर, गया जैसे रूट देखने को मिलते हैं। आगे बात करें रियल अनाउंसमेंट की तो ये फीचर अभी आपको ITS में ही देखने को मिलेगा रियल टाइम अनाउंसमेंट का, वहीं ITS 2018 में आपको ये फीचर अभी नहीं मिलेगा देखने को। और ट्रैक साउंड्स की बात करें तो यार मेरे हिसाब से ITS 2018 के ट्रैक साउंड्स ज़्यादा बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन ट्रेन सिमुलेटर, क्योंकि अगर आप ये गेम खेलो तो क्रॉसिंग के टाइम अगर आपने देखा हो तो इसमें काफ़ी अच्छा साउंड सुनने को मिलता है जब ट्रेन क्रॉस होती है। वहीं दोस्तों ITS 2018 में डिस्टेंस जो दो स्टेशंस के बीच में होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, वहीं अगर इंडियन ट्रेन सिमुलेटर में देखें तो वहाँ पे डिस्टेंस थोड़ी कम देते हैं मीटर्स में। एक ख़ास बात ITS 2018 की यहाँ पे ये है कि फ्रेंड्स, अगर आपके फ़ोन की रैम 1 GB या फिर 2 GB की होगी तो ये गेम आपके मोबाइल में बिल्कुल हैंग नहीं करेगा, क्योंकि इस गेम के जो सारे बग्स हैं उनको काफ़ी अच्छे से फिक्स करके रखा गया है। वहीं दोस्तों जहां तक मुझे पता है कि इंडियन ट्रेन सिमुलेटर जो है वो क्रैश कर जाता है आपके 1 GB या फिर 2 GB रैम वाले फ़ोन में। तो कोई नहीं यार, दोनों ही गेम अपनी जगह पे काफ़ी बेहतरीन है। तो यार अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपके हिसाब से कौन सा गेम बेस्ट है। आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, जल्द लौटेंगे अगली ऐसी ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।